गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। फर्स्ट ऑफ ऑल टुडे आई वुड लाइक टू विश हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल माय रिस्पेक्टेड टीचर्स एल्डर्स एंड माय पेरेंट्स। मित्रों माई सेल्फ आशीष परमार, आई एम स्टूडेंट ऑफ सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोथेरेपी स्टडिंग इन फाइनल ईयर। आज के शुभ और मंगलकारी शिक्षक दिन के त्यौहार पर मैं मेरे कुछ शब्द द्वारा आपको शिक्षक दिन की शुभेच्छा और बधाई देना चाहता हूँ। मित्रों क्या है शिक्षक दिन? मित्रों आज आपके साथ एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। एक स्कूल थी, वहाँ पे एक दिन बहुत सारी बारिश हो रही थी। मित्रों उसी दौरान स्कूल के अंदर क्लास चल रही थी और शिक्षक अपने विद्यार्थियों को शिक्षा दे रहे थे। उसी दौरान शिक्षक के मन में एक प्रश्न हुआ और शिक्षक ने सभी विद्यार्थियों को प्रश्न पूछा कि विद्यार्थियों, यदि मैं आपको 100-100 रुपये का एक अलग अलग सभी को एक नोट दूँ तो आप इसे क्या करोगे? उसी दौरान सभी बच्चों ने काफ़ी सुंदर जवाब दिया। एक बच्चे ने कहा कि सर मैं इससे वीडियो गेम खरीदूंगा, दूसरे बच्चे ने कहा कि सर मैं इससे क्रिकेट का बैट खरीदूंगा, तीसरे बच्चे ने कहा कि सर मैं इससे प्यारी सी गुड़िया खरीदूंगा, चौथे बच्चे ने कहा कि सर मैं इससे बहुत सारी ढेर सारी चॉकलेट से खरीदूंगा। इसी दौरान एक बच्चा मन ही मन इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए मन ही मन वो सोच रहा था। उसी दौरान शिक्षक ने उस विद्यार्थी को पूछा, उस विद्यार्थी को शिक्षक ने पूछा कि बच्चा आप क्या सोच रहे हो, आप क्या खरीदूंगा, आप क्या खरीदोगे जब मैं आपको एक 100 रुपये का नोट दूंगा? बच्चे ने आंसर दिया कि शिक्षक कि टीचर मैं इससे अपनी माता के लिए एक चश्मा खरीदूंगा। टीचर्स ने पूछा विद्यार्थी को कि बच्चा मैं आपको ये 100 रुपये का नोट दे रहा हूँ, उससे आप अपनी माता के लिए चश्मा तो खरीदोगे, पर यही चश्मा आपके पिताजी भी खरीद सकते हैं, आप आपके लिए कुछ क्यों नहीं खरीदते? बच्चे ने बड़े भावुक होकर जवाब दिया कि सर अभी इस दुनिया में मेरे पिताजी तो नहीं रहे, तो वो तो मेरी माता के लिए चश्मा नहीं खरीद सकते, इसीलिए यही 100 रुपये से मैं मेरी माता के लिए चश्मा खरीदना चाहता हूँ और मेरी माता के लिए मैं कुछ करना चाहता हूँ, मैं एक बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ और मेरी माता के लिए सुख समृद्धि बनाना चाहता हूँ। शिक्षक विद्यार्थी के इस भावपूर्ण जवाब से शिक्षक की आँख भराई और शिक्षक ने कहा बेटा तेरी सोच ही तेरी कमाई है, तू बहुत बड़ा आदमी बने और एक दिन ऐसी तरक्की करे कि देश में तेरी गण ना हो और तू बहुत बड़ा इंसान बने, तू बहुत आगे बढ़े। तो इसी दौरान शिक्षक ने वो जो 100 रुपये थे उन्होंने वादे के मुताबिक वो विद्यार्थी को 100 रुपये दे दिए और उसी दौरान शिक्षक ने उस विद्यार्थी को और 100 रुपये उधार दिए और बोला कि विद्या ले बेटा ये 100 रुपये मैं तेरे को और उधार दे रहा हूँ, जब कभी भी कमाओ, जब कभी भी बड़ा आदमी बन जाओ तो ये 100 रुपये मुझे वापस कर देना। ठीक 20 साल बाद इसी स्कूल में यही शिक्षक पढ़ा रहे थे। बाहर ज़ोरदार बारिश हो रही थी और इसी दौरान स्कूल के गेट के सामने लाल बत्ती वाली जिला कलेक्टर की गाड़ी आके खड़ी रहती है। गाड़ी को देखकर स्कूल में सन्नाटा छा जाता है। जब गाड़ी से जिला कलेक्टर निकलते हैं और स्कूल के अंदर आते हैं, सभी शिक्षकगण एक साथ खड़े रहते हैं, सभी विद्यार्थियों खड़े रहते हैं। उसी दौरान जिला कलेक्टर जाके उस वृद्ध शिक्षक को पैर छूते हैं। पैर छूते हुए शिक्षा विद्यार्थी ने शिक्षक को वो पॉकेट में से नोट अपने पॉकेट में से नोट निकाला और 100 रुपये दिए कि सर जी आपने मुझे 100 रुपये उधार दिए थे, वही 100 रुपये आज मैं आपको लौटाने के लिए आया हूँ। झुके हुए जिला कलेक्टर को देख के पूरी शाला के जो विद्यार्थी थे, प्रिंसिपल थे, टीचर्स थे, वो सभी दंग रहे, सभी चौकन्ना हो गए। उसी दौरान शिक्षक ने उससे झुके हुए पैर में छुए हुए विद्यार्थियों को गले लगाया और रो पड़े और उसके माथे पे हाथ फिराते हुए बोले आप धन्य हो बेटा। तो मित्रों कहानी का सार यही है कि शिक्षक अपनी जगह पे, जो शिक्षक थे वो अपनी जगह पे ही रहे, पर ये विद्यार्थी जिला कलेक्टर बन गया। तो उसी दौरान जो कहानी थी कि एक शिक्षक की अहमियत यही है कि शिक्षक तो अपने स्थान पे ही रुक जाते हैं पर अपने विद्यार्थी को हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देते हैं। तो मित्रों शिक्षक हमारे जीवन के स्तंभ होते हैं, वह अपना समय देकर हमारे जीवन को संवारते हैं और आगे बढ़ाते हैं। मित्रों शिक्षक ना सिर्फ हमें शिक्षा देते हैं बल्कि वह हमेशा हमें अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करते हैं।
उनकी कही बातें ही हमारे जीवन को निखारती है। शिक्षक हमारे समाज का निर्माण करते हैं, वही हमारे मार्गदर्शक होते हैं। शिक्षक का स्थान माता पिता से भी ऊंचा होता है। माता पिता बच्चे को जन्म जरूर देते हैं, लेकिन शिक्षक उसके चरित्र को आकार देकर उज्जवल भविष्य की नींव तैयार करते हैं। इसीलिए हम चाहे कितने भी बड़े हो जाए, कितने भी बड़े स्टेज पे क्यों पहुंचना जाए, हमें अपने शिक्षक को कभी भूलना ना चाहिए। यकीन मानिए हमें जीवन के हर मुश्किल और अच्छे मोड़ पर टीचर्स की सिखाई बातें याद रहती है। एक कुंभार जैसे मिट्टी के बर्तन को दिशा देता है, वैसे ही टीचर्स हमारे जीवन को संवारते हैं। मित्रों, टीचर्स के लिए भी आज एक शब्द कम पड़ जा रहा है बोलने के लिए, क्योंकि उस टीचर्स का दर्जा एक भगवान और माता से भी ऊंचा है। टीचर ही हमारे प्रेरणा के स्रोत है, जो हमें हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा और प्रेरित करते हैं। हमारे महान कवि कबीर दास जी ने कहा है कि अगर आपको शिक्षक और भगवान दोनों एक साथ दिखे, तो हमें पहले शिक्षक का चरण स्पर्श करना चाहिए, क्योंकि एक शिक्षक ही हमें ज्ञान देकर भगवान तक पहुंचने का रास्ता दिखा सकता है। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहूँगा। आप सभी का बहुत बहुत आभार कि आपने मेरी बात सुनी। मैं अपने भाषण का, ये शिक्षक दिन के भाषण का एक अच्छी शायरी बताकर अंत करना चाहता हूँ कि अक्षर अक्षर हमें सिखाते हैं, शब्द शब्द का अर्थ बताते हैं, कभी प्यार से कभी डांट से जीवन जीना हमें सिखाते हैं। मित्र, शिक्षक है तो एक डॉक्टर है, शिक्षक है तो इंजीनियर है, शिक्षक है तो वकील है, और एक शिक्षक है तो एक समृद्ध देश और समाज है। शिक्षक का हमारे जीवन के अंदर बहुत 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 महत्वपूर्ण है। एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा उनके प्रेरणा स्रोत बनते हैं। मित्रों, आप जानते होंगे कि कोविड के इस महामारी के समय में गवर्नमेंट ने जब स्कूल को और कॉलेजेस और ट्यूशन क्लासेस को बंद किया, तभी टीचर्स ने स्ट्रगल करके कुछ नया नया सोच के, कुछ नया नया इन्वेंशन करके आप सभी को ऑनलाइन शिक्षण का प्राप्त की। आपके शिक्षण के अंदर कभी खलेल नहीं आने दी, और शिक्षक ने कभी आप एक क्लास के अंदर पार्शल निर्णय कि ये स्टूडेंट बहुत अच्छा है, ये स्टूडेंट बहुत कम लेवल का है। आप सभी को अच्छे से ट्रीट किया, आप सभी को एक अच्छा शिक्षण दिया, आप सभी को एक समान शिक्षण दिया। तो मित्रों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो बनाने का पिछला कारण है कि सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस के द्वारा एक इवेंट आयोजित की है कि आप अपने टीचर्स के बारे में एक कुछ इंस्पिरेशन स्टोरी को, आपने जो फीलिंग है आपके अंदर जो टीचर्स के बारे में जो फीलिंग है आप शेयर कीजिए। तो मैंने जो टीचर्स के बारे में फीलिंग्स थी वो मैंने शेयर की। मित्रों, कोई जगह मैं बोलने में भूल हो गई तो मुझे माफ़ कर देना। द एंड ऑफ दिस वीडियो आई वुड लाइक टू थैंक यू माई प्रिंसिपल सर, डॉक्टर पुंगुंदरन मदन कुमार सर। थैंक यू सो मच सर फॉर योर सपोर्ट एंड योर एंकरेज टू मी। आई एम हियर बिकॉज ऑफ यू, एंड मैं सभी टीचर्स को आज सैल्यूट करता हूँ, क्योंकि आज मैं जो भी हूँ आपके वजह से हूँ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।